वो 4 साल पहले शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे और तभी से दोनों अपने जीवन में बहुत खुश रहते थे। देखकर लगता था कि उन्हें अपने जीवन से बहुत प्यार है, मगर फिर उस रात क्या हुआ कि दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद टीकम और आरती अपने पीछे ऐसे कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीर उस टीकम की है जो आज से पहले करीब 4 साल पहले शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद आरती का हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा करके अपने साथ अपने घर लाया था। जबकि बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र निवासी आरती बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के चितसोना निवासी टीकम के साथ 7 जन्म साथ निभाने का वादा करके 7 फेरे लिए थे। बताया जाता है कि दोनों के बीच बहुत प्यार था। यही कारण है कि किसी को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि आरती और टीकम अचानक इस दुनिया से यूं अलविदा कह जाएंगे। लोग इस बात को अपने गले से नहीं उतार पा रहे हैं कि अपनी जिंदगी से बेइंतहा प्यार करने वाली आरती और टीकम अचानक इस तरह का यूं गैर मुनासिब कदम उठाएंगे। पूरा ये था कि ये दवाई लेने गए थे और अपनी ससुराल गए थे, दोनों लोग वहाँ से आए और आने के बाद मैं अपना खाना वाना खा के वहीं से आई तो अपना यहाँ आके अपना सोए। अब इनमें क्या बात हुई, अलग न्यारे रहते थे ये दोनों। अच्छा, तो ये तो रात को कोई जाने का मतलब नहीं किसी का, भाई सो रहे थे। उसके बाद में इन्होंने कुछ खाया होगा, हमें पापा हैं वो लेटिंग के लिए गए थे, तो जब ये शोर शराबा कर रहे थे उल्टी, तो इन्हें पता लगा था ऐसी, वो डॉक्टर के यहाँ लेके गए। क्या वजह रही कि दोनों ने ये आत्महत्या करी है? ये आपस के ना बताई इनका आपस के ही क्या बात हुई दोनों। आप कौन लगते हैं इनके भाई? दरअसल गाँव में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब टीकम के पिता राजेंद्र गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे शौच के लिए उठे थे। उन्होंने देखा कि बराबर वाले घर में रह रहे उनका बेटा टीकम गोस्वामी और उसकी पत्नी आरती को बहुत उल्टी लगी थी। मौके पर पहुंचकर कारण पूछा गया तो राजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें पता चला कि बेटे टीकम और आरती ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, जिसके बाद दोनों को मेरठ के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार बिना पुलिस को सूचना दिए ही दोनों शवों का अंतिम संस्कार करने जा रहा था, मगर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव कब्जे में ले लिए, जबकि पुलिस ने मृतकों के घर से पानी के 2 खाली गिलास और पॉइजन के 2 खाली पाउच भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सुबह बीबीनगर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पति और पत्नी द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां जाकर जांच की गई तो पता चला कि रात्रि में किसी समय पति और पत्नी द्वारा जहर खा लिया गया था। उनके परिजनों को ये बात पता चल गई थी, उनके परिजन उनको लेकर मेरठ गए थे, किंतु रास्ते में मृत्यु होने के पश्चात वो वापस उसको ले आए और अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे, किंतु जब पुलिस को जानकारी हुई तो उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पंचायतनामा भर के, आगे कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर जब पहुंचे हम लोग तो वहाँ पर कोई भी सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु वो जहर की 2 पाउच 2 ग्लासेस बरामद हुए हैं। एक उसकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है महिला की। अभी मृत्यु का कोई भी स्पष्ट, जहर खाने का कोई भी स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा है। जांच की जा रही है, जैसा भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। आरती और टीकम की मौत के बाद गांव में तरह तरह की चर्चा है, तो वहीं बताया जा रहा है कि शादी के 4 साल बाद भी आरती और टीकम को कोई संतान नहीं थी। पुलिस भी अपनी शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का कारण मान रही है, मगर इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं इन दोनों की मौत के पीछे कोई और राज तो नहीं छुपा है। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।